मेरे मध्य प्रदेश वासियों, भाजपा वाले अब आपको गुमराह जरूर करेंगे। ये 15 साल पुरानी बात करेंगे, आप इनके 15 सालों का हिसाब मांगना। ये फिर से युवाओं को लाखों नौकरियों के झूठे वादे करेंगे। आप प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी पर सवाल करना। ये आपकी दुकान पर वोट मांगने जरूर आएंगे। आप इनसे महंगाई, GST और नोटबंदी पर बात करना। ये बहन बेटियों के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं करेंगे। आप प्रदेश में बढ़ते महिला अत्याचार पर विचार करना। ये किसान पुत्र होने का नाटक भी करेंगे। आप इन्हें मंदसौर के किसानों की याद दिलाना। ये भाजपा वाले अपनी पुरानी हरकतों से आपको बांटने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन आप एकजुट होकर अपने वोट की ताकत से इनको करारा जवाब जरूर देना। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। माँ, कैसी है तू? माँ, तू कैसा है? साल भर बाद देख रही हूँ तुझे। माँ, मैं भी तेरे साथ रहना चाहता हूँ, तेरी सेवा करना चाहता हूँ, पर इसमें मेरी क्या गलती? मध्य प्रदेश में नौकरियाँ ही नहीं है। इसमें तेरी कोई गलती नहीं है बेटा, गलती तो हम सब की है जिसने 15 साल से इस गलत सरकार को चुन रखा है, जिसने बच्चों तक को माँ बाप से दूर कर दिया। हर परिवार की यही पीड़ा है बेटा। सही बात है, गलती सुधारने का वक्त आया है। अब युवाओं को भी आगे आकर बदलाव लाने का वक्त आया है। बदलाव, बदलाव। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। दीदी, अब के चुनाव में भी हमको ही वोट देने आना। अरे भैया, ये क्या 15 साल का हिसाब लेकर आए हो? 15 साल में पूरा प्रदेश बर्बाद कर दिया तुम लोगों ने। महंगाई से घर चलाना मुश्किल हो गया है। चलो तुम अंदर जाओ। आए दिन प्रदेश में बलात्कार की खबरें, अब तो डर लगने लगा है। पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं तुम्हारे भाजपा के राज में। सबको पता है भाजपा का असली चेहरा। अरे दूसरों की कमियां निकालना छोड़ो, अपने 15 साल का हिसाब दो मुझे। चलो जाओ यहाँ से। और सुनो, 15 साल में कुछ काम वाम तो किया नहीं तुम लोगों ने, अब तुम्हें आइडिया चाहिए ना? मैं देती हूँ आइडिया। भाजपा हटाओ, मध्य प्रदेश बचाओ। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संबित पात्रा ने पत्रकार वार्ता में कांग्रेस पर आरोप लगाया कि मोदी के विरोध में नक्सलियों का भी समर्थन कांग्रेस कर रही है। राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा, चार्जशीट से उजागर हुई कांग्रेस नक्सलियों की सांठगांठ चल रही है। बीजेपी ने एक बार फिर कांग्रेस पर वार करते हुए कहा कि कांग्रेस का एकमात्र लक्ष्य है कि अलगाववादी ताकतें आगे बढ़ें। कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विरोध में इस तरीके से लगी है कि वह इसके लिए नक्सलियों को आगे बढ़ाने, उनका समर्थन करने में भी पीछे नहीं रहती। संबित पात्रा ने भीमा कोरेगांव का जिक्र करते हुए कहा कि हिंसा मामले के संबंध में पुणे पुलिस ने शुक्रवार को कोर्ट में 1500 से अधिक पन्ने की चार्जशीट दाखिल की है। इस चार्जशीट से अर्बन नक्सलियों और कांग्रेस की सांठगांठ की सच्चाई जनता के सामने आ चुकी है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। दीदी, अब के चुनाव में भी हमको ही वोट देने आना। अरे भैया, ये क्या 15 साल का हिसाब लेकर आए हो? 15 साल में पूरा प्रदेश बर्बाद कर दिया तुम लोगों ने। महंगाई से घर चलाना मुश्किल हो गया है। चलो तुम अंदर जाओ। आए दिन प्रदेश में बलात्कार की खबरें, अब तो डर लगने लगा है। पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं तुम्हारे भाजपा के राज में। सबको पता है भाजपा का असली चेहरा। अरे दूसरों की कमियां निकालना छोड़ो, अपने 15 साल का हिसाब दो मुझे। चलो जाओ यहाँ से। और सुनो,
15 साल में कुछ काम वाम तो किया नहीं तुम लोगों ने, अब तुम्हें आइडिया चाहिए ना? मैं देती हूँ आइडिया, भाजपा हटाओ, मध्य प्रदेश बचाओ। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। मेरे मध्य प्रदेश वासियों, भाजपा वाले अब आपको गुमराह जरूर करेंगे, ये 15 साल पुरानी बात करेंगे, आप इनके 15 सालों का हिसाब मांगना, ये फिर से युवाओं को लाखों नौकरियों के झूठे वादे करेंगे, आप प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी पर सवाल करना, ये आपकी दुकान पर वोट मांगने जरूर आएंगे, आप इनसे महंगाई, GST और नोटबंदी पर बात करना, ये बहन बेटियों के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं करेंगे, आप प्रदेश में बढ़ते महिला अत्याचार पर विचार करना, ये किसान पुत्र होने का नाटक भी करेंगे, आप इन्हें मंदसौर के किसानों की याद दिलाना, ये भाजपा वाले अपनी पुरानी हरकतों से आपको बांटने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन आप एकजुट होकर अपने वोट की ताकत से इनको करारा जवाब जरूर देना। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। माँ कैसी है तू? माँ तू कैसा है? साल भर बाद देख रही हूँ तुझे। माँ मैं भी तेरे साथ रहना चाहता हूँ, तेरी सेवा करना चाहता हूँ, पर इसमें मेरी क्या गलती? मध्य प्रदेश में नौकरियाँ ही नहीं है। इसमें तेरी कोई गलती नहीं है बेटा, गलती तो हम सब की है, जिसने 15 साल से इस गलत सरकार को चुन रखा है, जिसने बच्चों तक को माँ बाप से दूर कर दिया, हर परिवार की यही पीड़ा है बेटा। सही बात है, गलती सुधारने का वक्त आया है, अब युवाओं को भी आगे आकर बदलाव लाने का वक्त आया है। बदलाव, बदलाव। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का।